Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Students, आज हम उर्दू की रीडिंग करेंगे, उर्दू पढ़ेंगे. उर्दू में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उर्दू में हुर्फ देखेंगे, हुर्फ़े तहजी देखेंगे. हुर्फ़े तहजी में हमारे पास कौन सा हुर्फ है? बा. बच्चे कौन सा हुर्फ है? बा. बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता. बच्चे कौन सा हुर्फ है? बा के नीचे एक नुक्ता. अब हम बा के दोस्तों से मिलेंगे. देखें टीचर के पास बा के कौन कौन से दोस्त हैं. बच्चे क्या है? बाजा, बा बाजा, बा बाजा, बा बाजा. अब हम बा के एक और दोस्त से मिलेंगे. देखें बच्चों ये क्या है? बाल्टी, बा बाल्टी, बा बाल्टी, बा बाल्टी. अब हम बाकी एक और दोस्त से मिलेंगे. देखें ये क्या है? बस्ता, बा बस्ता, बा बस्ता, बा बस्ता. अब हम बाकी एक और दोस्त से मिलेंगे. अरे वाह, ये देखें ये क्या है? देखिए आप लोगों ने, बत्तख, बा बत्तख, बा बत्तख, बा बत्तख. देखें टीचर ने बाकी दोस्त दिखाया आप लोगों को. अब हम इनको फिर से पढ़ेंगे. बा बाजा, बा बस्ता, बा बाल्टी, बा बत्तख. ये कौन सा हर्फ है? बा के नीचे एक नुक्ता. फिर से पढ़ेंगे हम. बा बाजा, बा बस्ता, बा बाल्टी, बा बत्तख. ये सब किसके दोस्त हैं? बा के. कैसे पता आपको बा के दोस्त हैं? देखिए इन सबका पहला हर्फ क्या है? बा. इन सबका पहला हर्फ क्या है बच्चों? बा. इसलिए किसके दोस्त हुए? बा के. एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ. बा बाजा, बा बस्ता, बा बाल्टी, बा बत्तख. और बच्चों पता है आप लोगों को सिर्फ बा के यही दोस्त नहीं है, बा के और भी बहुत सारे दोस्त हैं. अब हम बुक में बा के दूसरे दोस्तों से मिलेंगे. चले बच्चों अब हम उर्दू की बुक में वर्क करेंगे. देखिए हमारे पास ये उर्दू की बुक है. कैसे पता आप लोगों को ये उर्दू की बुक है? इस पे कितने सारे हुर्फ़े तहजी बने हुए. कौन कौन से हुर्फ़े तहजी हैं? आ, बा, खा. हुर्फ़े तहजी हैं तो ये कौन सी बुक हुई? उर्दू की बुक हुई. अब हम उर्दू की बुक खोलेंगे. देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे. उसके बाद क्या है? जमात, अपनी जमात लिखेंगे. किस क्लास में आप लोग? स्कूल का नाम लिखेंगे. और इसके बाद आप लोग सफ़ा नंबर एक खोलेंगे. सफ़ा नंबर एक पे आज हम लोग काम करेंगे. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तारीख डालनी है यहाँ आज की. आज की यहाँ तारीख डालेंगे. यहाँ C.W लिखेंगे, C.W लिखेंगे. और फिर अब देखेंगे हम लोग आइकन्स. हमारे पास कितने आइकन्स हैं? 1, 2, 1, 2. कौन कौन से आइकन्स हैं? पेंसिल फेरिए, रंग भरिए. पेंसिल फेरिए, रंग भरिए. इन आइकन्स की वजह से हमें पता चलता है हमें क्या काम करना है इस पेज पे. तो हमें क्या काम करना है? पेंसिल फेरनी है और रंग भरने. यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेंसिल फेरिए और रंग भरिए. पहले हम बाकी सारे दोस्तों से मिलेंगे. देखिए कौन सा हर्फ है? बा. कौन सा हर्फ है बच्चों ये? बा. हमने फ्लैश कार्ड में पढ़ा था ना, बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता. अब हम बाकी दोस्तों से मिलेंगे. फ्लैश कार्ड में भी हम लोग बाकी दोस्तों से मिले थे. अब हम बुक में बाकी दोस्तों से मिलेंगे. बा बस्ता, बा बस्ता, बा बस्ता, बा बस, बा बस, बा बस, बा बंदर, बा बंदर, बा बंदर, बा बाल्टी, बा बाल्टी, बा बाल्टी. बच्चों हम बाकी दोस्तों से मिले आप लोगों ने. देखें फिर से मेरे साथ एक बार पढ़िए. बबस्ता, बबस, बबंदर, बबाल्टी. अब हमें क्या करना है? पहले आइकन कंप्लीट करेंगे हम. पेंसिल फेरिए, तो हम क्या करेंगे? पेंसिल फेरेंगे. पेंसिल फेरेंगे, डॉट पे हम पेंसिल रखेंगे. देखिए इस तरीके से हम बा पे ट्रेसिंग करेंगे, पेंसिल फेरेंगे. बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता. हमने ट्रेसिंग कर ली है, पेंसिल फेर ली है. उसके बाद हम रंग भरेंगे. ओके बच्चों, रंग भरेंगे. रंग किस तरीके से भरते हैं आप लोगों को पता है? देखिए पहले हम ब्लैक लाइन की मदद से कॉर्नर बनाएंगे. ब्लैक लाइन की मदद से हम कॉर्नर बनाएंगे. हमने यहाँ कॉर्नर बनाए. हम कॉर्नर क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे कलर बाहर
इसके बाद हम अप एंड डाउन कलर फिल कर देंगे। हमारे कलर इस तरीके से पूरे डन हो जाएंगे। ओके बच्चों, अप एंड डाउन कलर करेंगे हम, कॉर्नर बनाकर अच्छे अच्छे ड्रेसिंग करेंगे, अच्छे अच्छे रंग भरेंगे। इस तरीके से आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा। आपके दोनों आइटम्स कंप्लीट हो गए, पेंसिल भी फेर लिए, रंग भी भर लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वर्क समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।